सभी वंचित समाज को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी के माननीय अनिल सिंह चौहान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। सभी वंचित समाज को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे माननीय अनिल सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल रहे और सिकंदरपुर जनपद बलिया में होने वाला वंचित समाज अधिकार चेतना महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस महारैली को सफल बनाने और वंचित समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ने वाले माननीय अनिल सिंह चौहान जी गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं और उनके हक और अधिकारों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहना चाहिए और अपना हक और अधिकार लेना चाहिए। अनिल सिंह चौहान जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों का सहयोग करते हैं और उनके लिए लड़ने और उनका हक दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। लोगों को यह एहसास दिलाते हैं यदि अपना हक और अधिकार चाहिए तो हमें लड़ना होगा और दूसरों के साथ मिलकर एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम लोग को हमारा अधिकार मिल पाएगा। यह सभी बातें रखते हुए माननीय अनिल सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों को याद दिलाते हैं और संघर्ष करते हैं। इनकी यही प्रेरणा उनको एक महान व्यक्तित्व वाला नेता बताता है और जिनसे गरीब और असहाय के हक के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। इसी संदर्भ में दिनांक 5 सितंबर 2021 को सुबह 11 बजे लगभग चेतन किशोर मैदान सिकंदरपुर जनपद बलिया में होने वाले वंचित समाज अधिकार चेतना महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाए और अपना योगदान दे। ये थे हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए सर्वेश कुमार की खास रिपोर्ट।